हेलो एवरीवन, मुझे मेरी लाइफ के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आप सबसे शेयर करना है। एक्चुअली थैंक यू सो मच राधा कृष्ण मैम से जुड़ने के बाद मुझे प्योरिटी क्या होती है ये समझ में आया। एक्चुअली इनर वर्क तो हम लोग करते ही हैं, बट उनसे जुड़ने के बाद इनर वर्क सबको पता है कि मेडिटेशन करना होता है और बहुत कुछ होता है इनर वर्क में, बट उनसे जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि जो डिवाइन रहते हैं, जो भगवान रहते हैं, वो अपने अंदर ही रहते हैं। एक्चुअली हम लोग बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन भगवान जो रहते हैं वो अपने अंदर ही रहते हैं। ये मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट उनसे जुड़ने के बाद पता चला। एंड मैं बहुत 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 लकी मानती हूँ खुद को कि मैं उनसे जुड़ी। एक्चुअली मेरी लाइफ मैं कभी कभी बहुत निगेटिव हो जाती थी, लेकिन राधा कृष्ण मैम की वजह से मैं अभी पॉजिटिव रहती हूँ और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है उनकी बातों से, उनके सजेशन से, उनके गाइडेंस से, बिकॉज वो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। मैं भी उनसे ये सीख पाई हूँ कि ग्रैटिट्यूड में कैसे रहना है। कंपैरिजन, अभी कभी कभी हम लोग मीन्स हम ह्यूमन हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक सोल अलग रहता है और वी आर यूनिक। मीन्स सब लोग यूनिक रहते हैं और इस जर्नी में सब यूनिक ही रहते हैं। कोई एक दूसरे के जैसा सेम को ही भी नहीं रहेगा और सबकी जर्नी अलग अलग है। सो सबको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। सो आप अपनी जर्नी किसी और के साथ कंपैरिजन करके हम लोग को और ओवर थिंकिंग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन राधा कृष्ण मैम से जुड़ने के बाद मुझे ये सब बातें बहुत अच्छे से पता चली और मैं ये सब बातों को मीन्स अच्छे से हील कर पाई। सो मुझे तो ये सब इस जर्नी ने बहुत कुछ दिया है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि उनसे मैं जुड़ी हूँ, क्योंकि रोज़ न्यू थिंग्स मैं सीख रही हूँ। लाइफ में बहुत कुछ बातें रहती है जो हम लोग को पता नहीं रहती है, तो हम लोग को गाइडेंस की जो ज़रूरत पड़ती है उनसे हम लोग को गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं आंसर्स, जो क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग को कभी कभी हम लोग बहुत डाउट में रहते हैं, सो वो डाउट क्लियर आउट करने के लिए हम लोग को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। और राधा कृष्ण मैम इसमें हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं सबके डाउट्स क्लियर करने में। सो आई एम सो लकी टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली मुझे बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस जर्नी में। मैं जैसे मैं जुड़ी हूँ, जैसे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तब से मैं पहले इम्पेशेंट थी, लेकिन अभी मुझ में इतना पेशेंस आ गया है और हैप्पी रहती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों मेरे साथ होता है, मेरे ही साथ ऐसे क्यों होता है, बहुत ओवर थिंकिंग करती थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मेडिटेशन करते जाते हैं, हमारी ही चीज़ें अंदर से हील होती है। मुझे ऐसा लगता था कि हमें कर रही हूँ, चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं हम लोग को, स्लोली हम लोग जब जैसे जैसे इनर वर्क करते हैं, लेकिन हम लोग में चेंजेस वो अंदर से होते रहते हैं। काम हम लोग का इनर वर्क का असर हम लोग पे होते रहता है, पॉजिटिविटी आती रहती है, इसीलिए हम लोग वो पेशेंस में आते हैं। लेकिन हम लोग को नहीं समझता, कभी कभी हम लोग को ऐसे लगता है कि नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन सच में वो काम होते रहता है। जैसे जैसे हम लोग इनर वर्क करते हैं, पीस में आते हैं, वैसे वैसे वो हम लोग पे पॉजिटिविटी में सब हम लोग पे वो वर्क करते रहता है। जो इनर वर्क हम लोग करते हैं उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते रहते हैं। एंड मैं इतना ही बोलूँगी कि हमेशा पॉजिटिविटी और एनर्जी, सब एनर्जी का खेल है। हम लोग को एनर्जी से हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव ही रखना ज़रूरी है। सिचुएशन कितनी भी निगेटिव हो जाए, लेकिन हम लोग को पॉजिटिव रहना ही होता है, क्योंकि यूनिवर्स हम लोग के टेस्ट लेते ही लेते हैं, उनमें पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड
इसमें गाइडेंस जो मिली है राधा कृष्णा मैम से, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। उनके मेडिटेशन से पीस मिलता है, उनके मेडिटेशन से जो टेंस स्ट्रेस का, जो दिन भर का जो स्ट्रेस रहता है, वो सब निकल जाता है। कि हाँ, कि कुछ ना कुछ तो है जो हम लोग को बांध के रखा है, हम लोग को पॉजिटिविटी देता है। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मीन्स हम लोग को सबको ये सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ में मेडिटेशन की कितनी इम्पॉर्टेंस रहती है। कभी कभी हम लोग को 5-10 मिनट शांत बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेडिटेशन में हम लोग 20 मिनट्स, हाफ एन आवर इतने शांत बैठ के हम लोग अपने बॉडी को लव करते हैं। हम लोग बॉडी, मतलब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने कभी भी ग्रेटिट्यूड हम लोग के बॉडी के लिए कभी नहीं करते, लेकिन हम लोग की बॉडी है वो बहुत प्रेशियस है, एंड हम लोग को उसको ग्रेटिट्यूड देना, सबको ग्रेटिट्यूड देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने राधा कृष्ण मैम से ग्रेटिट्यूड कैसे, मतलब सबको ग्रेटिट्यूड कैसे देना है, ये बहुत ही अच्छे से जाना। ग्रेटिट्यूड तो हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग के पास जो है उसमें भी हम लोग को ऐसे लगता है कि नहीं, हम लोग में कमी ही है, बट हम लोग कमी ढूंढने से अच्छा हम लोग में जो अच्छा है वो ढूंढ के उस पर वर्क करेंगे तो वो और अच्छा बनेगा। उसमें हम लोग कमी ढूंढते रहेंगे तो हम लोग कमियों में ही फंसेंगे। सो मुझे ये लगता है कि ये जो जर्नी है वो अपने खुद पे वर्क करने की जर्नी है, और इस जर्नी में हम लोग को खुद पे फोकस करना है। हम लोग किधर, हम लोग के थॉट्स में किधर हम लोग गलत सोच रहे हैं और किधर हम लोग राइट सोच रहे हैं, ये हम लोग को सोचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं, हम लोग का इंटेंशन हमेशा क्लियर रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। हमेशा खुद पे हम लोग फोकस करते हैं, बिकॉज हम लोग के जो इश्यूज़ है वो हम लोग को ओवरकम करने रहते हैं। हम लोग जब तक हम लोग के इश्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे, इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। इश्यूज़ हम लोग को, सबके इश्यूज अलग अलग रहते हैं, लेकिन हम लोग के लाइफ में जो जो इंसिडेंट होते रहते हैं उससे हम लोग में क्या इश्यू है, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम लोग उससे फाइंड आउट करके उससे ओवरकम होंगे तो हम लोग हमेशा ग्रैटिट्यूड में, एंड हम लोग हमेशा हैप्पी फील करेंगे और हमेशा हमेशा एक पीस में रहेंगे, और हमारे सब इस जर्नी में जो हमारी आगे की स्टेप है वो ले पाएंगे। मुझे अभी मेरे इश्यूज तो समझ ही आते हैं। कभी कभी होता है एंगर हम लोग को आता है, लेकिन उस बात को कैसे ओवरकम करना है और उसमें अवेयरनेस में रहना है वो समझ में आता है। पहले एंगर आता था तो वो हाँ नॉर्मल हम लोग को लगता था कि हाँ ये है तो वो होता ही है, बट नहीं, अभी इतना अवेयरनेस आया है कि हाँ ये मेरा ट्रिगर है एंड ये मुझे हील करना है। सो उतनी अवेयरनेस आ जाती है कि इस पे मुझे वर्क करना है, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे मैं वर्क करूँगी तो मैं आगे जा सकती हूँ, नहीं तो नहीं। सो अभी खुद पे वर्क करना है एंड सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव के बिना ये जर्नी कुछ भी नहीं है। सेल्फ लव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने थॉट्स पे ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे जैसे इन्हें वर्क करते हैं वैसे वैसे ये सब चीज़ें हम लोग और अवेयरनेस में आ जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच राधा कृष्ण मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू, थैंक यू सो मच ऑल सोल सिस्टर्स, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।